हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है भाई आप सब अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। वेलकम टू स्टार्स गेमिंग चैनल और मैं हूं आपका दोस्त स्टार। तो दोस्तों, आज मैं फिर से खेलने वाला हूं फार्म सिमुलेटर 19 और भाई इस मैप का नाम है कैनेडियन फार्म मैप 6। तो भाई पिछली बार मैंने आपको बोला था कि अल्फा अल्फा की आपको बना के दिखाऊंगा साइलेज, लेकिन उसकी साइलेज तो बनी नहीं क्योंकि मैंने जो अल्फा अल्फा काटी थी भाई वो बन गई है ग्रास। आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो अल्फा अल्फा ग्रास इसलिए बन गई क्योंकि मेज प्लस की ऑप्शन इस मैप में नहीं है और मैंने आपको उसकी अल्फा अल्फा की सैलेज और क्लोवर की सैलेज अलग से एक वीडियो बना के दिखा दिया है। तो अब मैं इस पर घास डालने जा रहा हूँ तो ये घास ले नहीं रहा क्योंकि मैंने अभी इस घास का मोड हटा दिया है, और सॉरी मेज प्लस का जो मोड था मैंने उसको हटा दिया। तो अब देखो, अब ओरिजिनल चीज़ आ गई है जो पहले होती थी। घोड़ों को वाटर चाहिए होता है, पानी और स्ट्रॉ चाहिए होती है, इनके भूसा तूड़ी, और भाई इसको चाहिए घोड़े का ओट और हे। हे तो मैंने दे दी थी थोड़ी सी, तो बाकी ओट से घोड़ों को सेहत घोड़ों की बनती है, 60% असर होता है घोड़े पे, और हे 40%। तो बाकी सिर्फ मुझे अब स्ट्रॉ और हे ओट देनी है तो अपना काम पूरा हो जाएगा। तो अगर मैं इस अब घास को इसकी मैं अगर सैलेज बना दूंगा तो भाई फिर मुझे हे नहीं मिलेगी, फिर मुझे घास दोबारा काटनी पड़ेगी। तो एक काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ यहाँ पे एक बार इसको अनलोड कर देता हूँ घास को। एक मिनट, यहाँ पे घास अनलोड क्यों नहीं हो रही भाई, एक सेकेंड जरा। ओके, एक मिनट, हाँ यहाँ पर घास अनलोड, यहाँ पर घास डल नहीं रही। तो घास को अनलोड करने के लिए मुझे इसको भाई एक सेकेंड, मुझे शायद लाना पड़ेगा ट्रेलर, लाना पड़ेगा। इससे क्यों नहीं कर रहा ये नहीं समझ रहा, ट्रॉली ले नहीं रहा ये। एक सेकंड भाई, एक ट्रैक्टर को मंगाता हूँ यहाँ पे ज़रा, उससे देखता हूँ क्योंकि मैं इसके ऊपर टेडर चला के और भाई इसको हे बना दूँगा अभी। तो देखता हूँ अगर बन जाएगी तो, क्योंकि मुझे हे की बहुत ज़रूरत है अपने घोड़े के लिए। और अरे यार मेरा, तो यहाँ पर खड़े हैं भाई मेरे बहुत सारे ट्रैक्टर। ये कौन सा खड़ा है, जॉन डियर। चलो भाई जॉन डियर को यहाँ मंगाते हैं एक बार। तो ये अपना जॉन डियर आ गया, देखता हूँ घास इस मिट्टी के ऊपर डल नहीं रही है। अनलोड होनी तो चाहिए लेकिन ट्रॉली से हो जाती है, ये है लोडिंग वैगन, तो इससे भी तो होनी चाहिए यार, क्यों नहीं हो रही देखते हैं। तो देखता हूँ अगर ये बन जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी। टर्न ऑन फॉरेज वैगन अनलोड, हाँ अब आइए ऑप्शन, अब आइए भाई ऑप्शन। अब मैं इसको यहाँ पर अनलोड कर दूँगा, देखो उससे नहीं आ रही थी, देखते फटाफट डाल देता हूँ इसको यहाँ पर। तो इसकी मैं बना देता हूँ हे, बस थोड़ी सी इतनी सी बाकी रख लेता हूँ मैं अभी। तो अभी बस 9 लाख भाई, 9 लाख अभी बची है मेरे पास घास। तो मैंने गलती कर दी, मतलब अल्फा अल्फा लगा के और मैंने फिर मेज प्लस का मोड नहीं लगाया था, तो इसलिए मुझे घास मिल गई। तो इसको अभी ट्रॉली को मैं यहीं खड़ा करता हूँ। और आज मुझे गाय भी खरीदनी है, अभी गाय खरीदेंगे। और उससे पहले भाई मैं ज़रा एक टेडर ले लेता हूँ, टेडर होते हैं अपने इसमें टूल्स में। तो ये हो गया मोवर, मोवर के साथ होता है टेडर, तो एक ले लेते हैं बड़ा वाला। तो ये अल्पाइन से आया है मोड, अच्छा। और देखता हूँ कौन सा है, ये कितने मीटर का है, 4 मीटर का है भाई, ये 8 मीटर का है, ये 11 मीटर का है, ये आया है मोड। चलो इसको लगाते हैं, देखते हैं भाई ये नया है, इसको लेते हैं किराए पर, वो आ गया। चल भाई, तो घास मैंने भी थोड़ी सी डाली है, ज़्यादा नहीं डाली। तो हे बन जाएगी अपनी 1-2 लाख, तो उससे फिर क्या होगा कि मैं अपने घोड़े को आराम से खिला सकता हूँ। तो लगाते हैं इसको ज़रा पीछे और इसको खोल लूँगा मैं एक से। ये अभी टेडर, इससे हम जब घास को काटते हैं उसके ऊपर चलाते हैं तो वो उसको सुखा के हल्का कर देता है, क्योंकि घास के अंदर नमी होती है, बहुत पानी होता है। तो इसको ऑन कर लेंगे बी से, और बी से देखते हैं, ये बन जाएगी तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी भाई। लो भाई बन गई, बन गए भाई बन गई। तो ये बन गई भी अपनी है, एक बार और चलाऊंगा अभी जरा, ये अभी बीच में थोड़ी सी रह गई है, ये देखो अभी पूरी बनी नहीं, क्योंकि ये अभी क्या है कि वो ज़्यादा ढेर है तो वो बना नहीं रहा। तो अब चलाता हूँ इसके ऊपर, तो ये जो हरी हरे रंग की है ये लाइट होनी चाहिए, देखो अभी ये बन गई अपनी है, काफ़ी सारी बन गई है। तो लो भाई ये है अपनी तैयार हो गई, इसको बंद कर लेते हैं एक बार। चल भाई बंद हो फटाफट,
अब इसको उठाना भी तो पड़ेगा भाई, उठाएंगे कैसे इसको। तो एक भाई का कमेंट आया था कि टीएमआर फूड कैसे बनता है और गाय को क्या खिला सकते हैं, तो मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं यार, आप देख सकते हो, लेकिन भाई ने शायद देखा नहीं है। तो ओ चलो कोई बात नहीं भाई, वो किराए पे लिया था, वापस कर देंगे उसको। तो इस घास को तो मैं अभी डाल देता हूँ हे लॉफ्ट के अंदर। तो वहाँ पे अपनी हे लॉफ्ट है, यानी कि वो एक हे लॉफ्ट एक ऐसा मतलब मोड है, एक ऐसी चीज़ होती है, उसके अंदर आप हे स्ट्रॉ कुछ भी अपना जानवरों का खाना जो हमारे जानवर खाते हैं, गायें खाती है, घोड़े खाते हैं, वो आप उसमें सेव कर सकते हो, मतलब उसमें स्टोर कर सकते हो, डाल सकते हो। तो इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ यहाँ पर। तो अगर हम इसके अंदर हे साइलेज और डाल देंगे तो हमें टीएमआर, अगर हम इसमें साइलेज हे और स्ट्रॉ डाल देंगे तो हमें मिल जाएगी क्या, हमें भाई यहाँ से टीएमआर फूड मिल जाएगा जो गाय के लिए होता है, टोटल मिक्स राशन। तो अभी मैं इसमें घास शायद देखता हूँ 1 मिलियन तक चली जाएगी, मेरे पास 9 लाख घास पड़ी हुई है, देखता हूँ इसमें कितनी चली जाएगी। तो अब इससे फिर मैं, ये लोडिंग वैगन है मेरे पास, इससे मैं अभी अपनी हे उठा लेता हूँ और हे भी इसमें स्टोर कर दूँगा वापस। तो जब भी मुझे हे चाहिए होगी मैं थोड़ी सी घास निकालूंगा, उस पर टेडर चला दूंगा, टेडर चला के मुझे घास मिल जाएगी, हे मिल जाएगी, फिर हे अपनी मैं घोड़े को खिला सकता हूँ। तो एक मिनट यार, इसमें तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो ये अनलोडिंग, अच्छा ओ भाई मैं उतर जाऊँगा तो ये मशीन भी बंद हो जाएगी, ओके, तो मुझे इसके अंदर ही बैठना पड़ेगा। तो अभी आपको दिखाता हूँ, इस हे लॉफ्ट के अंदर काफ़ी सारा सामान पहले से ही पड़ा हुआ है जो कि मैप के साथ ही मिला था मेरे को, मतलब इसके अंदर काफ़ी सारी फसलें हैं। और भाई मैंने ओट भी काटी थी, ओट उसके अंदर है साइलो में हमारी, हम घोड़े को खिलाएंगे। और पिछली बार मैंने आपको दिखाया था इस खेत में मैंने लगाई थी ज्वार, इसमें लगाई थी सूडान ग्रास। अब सूडान ग्रास जो होती है कि क्या होता है, ये तो ज्वार होती है सोरगम, तो सोरगम मैंने लगाई थी, सोरगम मेरे पास कटी पड़ी है इस ट्रेलर के अंदर, HMT 811 के अंदर, उसको बेचना भी था। तो और एक गिरीश राजपूत भाई ने इंडियन गैरेज बनाया है, इंडिया का गैरेज गाड़ी वाड़ी रिपेयर करने का, वो भी आपको दिखाता हूँ अभी। तो ज़रा पहले इस घास को डाल दूँ यार, इस घास में तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो या तो दूसरी गाड़ी ले लेता हूँ मैं, एक और लोडिंग वैगन को डालने के बाद। तो मैंने कहा इतना सारा लोडिंग वैगन लेके क्या करूँगा यार, खड़ी था मेरे पास। और आज मुझे फसलें भी लगानी है, एक भाई ने बोला था गाजर लगा के दिखाओ, गाजर, और एक भाई ने बोला था तूड़ी बना के दिखाओ। तूड़ी के लिए भाई हमें लगानी पड़ेगी वीट, बार्ली या ओट, उससे हमारी बनती है तूड़ी, यानी कि भूसा, यानी कि स्ट्रॉ। तो वो भी आपको दिखा देता हूँ एक बार तूड़ी कैसे बनती है। वो भाई बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है। तो मैं इस छोटे खेत में लगाने वाला हूँ अब गेहूँ। यहाँ एक काम करती हैं, हमने इसमें क्या नहीं लगाया, हमने इस खेत के अंदर वीट, बार्ली, ओट, तो ओट लगा देते हैं, ओट से तूड़ी भी बन जाएगी, या इन तीनों में से कोई फसल लगा सकते हैं यार। ओट, वैसे ओट लगा देते हैं, ओट मेरे को घोड़े के लिए चाहिए भी। चल भाई चली जा, ये यार बहुत टाइम लगा रही है, 4 लाख। तो इसकी लोडिंग वैगन की मैंने कैपेसिटी बढ़ाई नहीं हुई, कम है। तो ये लोडिंग वैगन अलग होती है और वो ट्रॉली अलग होती है हमारी, क्योंकि इसके अंदर ये लगा होता है नीचे सिस्टम, अपना ब्लेड ये उठाती है, और जो ट्रॉली होती है वो तो सिर्फ माल उसमें लोड कर दो और लेके जाती है। चलो भाई थोड़ा सा रह गया है बस, 3 लाख, 3.5 लाख बची है, और जा तो रही है इसके अंदर। अभी देख लेते हैं इसके अंदर और क्या क्या है। एक काम करते हैं, इसकी ऑप्शन कर देते हैं इसको ऑन। तो अगर मैं उतर भी जाऊंगा, हाँ ये कर सकते हैं हम, तो मैं उतर भी जाऊंगा तो मेरी गाड़ी चालू रहेगी। तो चलो अब ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया, तो ये आइडिया हम अपना सकते हैं। और ये अपना खड़ा भाई सोनालिका, तो सोनालिका को ले चलते हैं जब तक वो अपनी घास अनलोड, वो उधर घास अनलोड हो रही है उसके अंदर। तो पहले मैं ज़रा घोड़ों का खाना पीना फिट कर दूँ एकदम। तो इस साइलो के अंदर अपने पास ओट थी, मैंने ओट काटी थी काफ़ी टाइम पहले, लेकिन आपने शायद वीडियो देखा हो। तो इसके अंदर अभी मेरी ओट सेव है, स्टोर है। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ ओट को, थोड़ा सा बस 40-50 बहुत होगी। तो अभी मेरे पास 1.25 लाख के आसपास ओट है, तो ओट खिला देते हैं घोड़ों को जल्दी से, ताकि भाई उनका शरीर जरा और मजबूत हो जाए, और हम जब घोड़े तकड़े हो जाएंगे तो भाई उनको बेच देंगे, हमें काफ़ी पैसे मिलेंगे उसको बेच के। तो ये अपनी अब मेरी हे बन गई है, इसको भी उठाना है, और हे देखता हूँ यहाँ कहाँ जाएगी। भाई निशान तो यही बने हुए हैं तीनों, तो ये एक स्ट्रॉ का है, एक पानी का है,
और ये पहला पानी का था, और देखता हूँ कौन सा निशान थोड़े भाई ने इधर गलत बना रखे हैं। ये देखो भाई यहाँ पे अभी निशान नहीं आया, तो यार इसको बैक करके लगाना पड़ेगा थोड़ा सा ऐसे। हाँ अब आया, तो ये गई अपनी ओट, लो भाई ओट गई थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं गई है क्योंकि घोड़े 16 ही हैं, तो ओट भी अपनी पूरी हो गई। 56,000 ओट और 56 मतलब 50,000 के आसपास जा रहा है, और 5,000 पानी गया है, तो स्ट्रॉ भी अपनी 5,000 चली जाएगी। तो अब मुझे लानी है इसमें स्ट्रॉ, तो घोड़े भूसा भी चबाते रहते हैं गाय की तरह, तो भूसा दे देते हैं फटाफट, और उसके बाद हे उठा के अपने हे को स्टोर कर लेता हूँ। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको बना सकते हैं आप। तो इसको अभी डाल देता हूँ मैं साइलो के अंदर, और अपनी घास भी चली गई है। अब तो ये कर सकते हैं इंजन को स्टार्ट करके उस ऑप्शन को, तो फिर आप अतः उतर भी जाओगे तो ट्रैक्टर आपका बंद नहीं होगा। लो भाई, तो मैंने स्ट्रॉ भी तूड़ी जिसे बोलते हैं यानी कि भूसा, वो भी काटा था बहुत सारा 1 मिलियन के आसपास, वो भी इसके अंदर स्टोर कर मैंने कर दिया था। तो हे लोफ्ट की कैपेसिटी भाई बहुत ज़्यादा है, तो इस पर चलते हैं आर दबा के। सीड है, स्ट्रॉ है भाई मेरे पास, देखो बहुत सारी, इतनी सारी स्ट्रॉ है कि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है और बनाने की। तो स्ट्रॉ भी 5-6 हज़ार ही जाएगी। ये खिलाते हैं घोड़ों को जल्दी से, और अपनी घास हो गई कंप्लीट। तो गाय भी अभी ख़रीदनी है मेरे को, मतलब कनाडा में के अंदर भी हमने काफ़ी तरक्की कर ली है। देखो आके यहाँ पर भाई हमने घोड़े और अपनी फसलें और एयरपोर्ट भी लगा दिया अपना। तो अब क्या बचा है, अब मेरी शादी होनी बाकी है, तो शादी के लिए भी बन रहा है, एक मैंने ऑर्डर दे रखा है, बहुत ही बढ़िया सा बैंकट हॉल बनेगा एक उसके लिए, और उसमें बराती भी होंगे काफ़ी सारे। और ये स्ट्रॉ जाएगी भाई बिल्कुल कोने वाले पे, ये इस वाले पे तीसरे वाले निशान पे, इसको आगे करते हैं थोड़ा सा, ए यहाँ पे आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे आएगी अपनी स्ट्रॉ। एक बार पीछे देखते हैं, बस इस निशान पे लाके ये चलेगी अंदर। ओके कितनी गई भाई, अच्छा ये देखो 5 ये गई, 11 ये गई, और 50,000 ऑर्डर हुए। अब इनका सब कुछ फुल हो चुका है, तो हमें बस इसका ध्यान रखना है। और अभी एनिमल वर्कर का मोड मैंने बंद कर रखा है, ठीक है, तो स्ट्रॉ को वापस कर देते हैं बाप लोड, और उस वैगन को लेके आते हैं, और अपनी हे को उठा लेते हैं यहाँ से, और जो सामान मैंने किराए पे ले रखा है भाई उसको तो वापस कर देते हैं। एक मिनट ज़रा, किराए पे मैंने ले रखा है, अच्छा ये सारा सामान भाई किराए पे ही है, तो ये क्रोन का वापस कर देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है अब। और टैडर मैंने लिया है, कभी कहाँ गया वो, तो ये था टैडर, ठीक है इसको कर देंगे वापस। तो भाई थोड़ी सी थोड़ी जगह हो जाएगी ना अपने पास, एक पर अपनी हे बनी हुई है। तो उसके साथ जो क्रोन का फोरेज हार्वेस्टर था उसके साथ ये अनलोड नहीं हो रही थी घास, लेकिन भाई ट्रैक्टर लगाती है, देखो उसने अनलोड कर दी। तो स्ट्रॉ को मैं अभी डाल देता हूँ वापस। तो एक काम कर सकते हैं, अपने पास साइलेज अगर कम है तो साइलेज की हम अपने पास, हाँ साइलेज इसके अंदर काफ़ी कम है, 50,000 है। अरे यार उसको हटाना पड़ेगा भाई, इसको हटाना पड़ेगा तभी तो उसको करूँगा सेव। इसको हटाते हैं एक मिनट। तो हे लोफ्ट भी अच्छी चीज़ होती है, काफ़ी मतलब इसके अंदर काफ़ी सामान भाई स्टोर हो जाता है अपना। तो इसको डाल देते हैं स्टॉक को वापस। चल भाई मेरी तूड़ी तो वापस चली जाए इसके अंदर, यहाँ पे यहाँ पे लाके, और बस निशान के ऊपर यहाँ डाल देंगे वापस स्ट्रॉ। तो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ एक चीज़, इस हे लॉफ्ट के अंदर अभी अपने पास टीएमआर फूड भी है, तैयार है टीएमआर फूड जो बनता है गाय के लिए। तो स्ट्रॉ के बाद हे देखो मेरे पास थोड़ी सी बची है बस, इसलिए मैंने हे बनाई है क्योंकि मेरे पास हे नहीं थी, क्योंकि जो इसके अंदर हे थी मैंने पिछली बार घोड़े को खिला दी थी, सारी डाल दी, तो इसमें हे नहीं बची। और इसके अंदर ग्रास, अभी देखो इसके अंदर घास भी, 1 मिलियन घास भी इसके अंदर है जो मैंने अभी काटी थी वो इसके अंदर चलेगी सारी। और इसके अंदर साइलेज है अपने पास 50,000, तो हम गाय को खिला सकते हैं। इसके अंदर वुड चिप भी है, तो वुड चिप का कुछ नहीं करना, वो तो खैर हमें बेचना ही है। तो इसमें चाप भी है, चाप जो कि चूरा होता है, इसको हम लेके, एक मिनट, तो इसको मैं एंटर कर देता हूँ, सारी निकाल लेता हूँ भाई। चाप का तो कुछ होने वाला नहीं है, तो चाप की हम बना लेते हैं साइलेज जो घोड़े के काम आएगी। तो ये सारी इसमें डाल के
और तो चाप कई फसलों की बनती है। कॉर्न की चाप जो होती है सबसे बढ़िया होती है, कॉर्न से कॉर्न चाप की जो साइलेज बनती है वो सबसे बेस्ट होती है। तो यहाँ पे मैंने एक बंकर लगाया था, बंकर साइलो, तो इसके अंदर मैं इसको नोट करके साइलेज वो बना देता हूँ, इसकी साइलेज यहाँ पर। ठीक है, ये आ गई अपनी, और यहाँ पे कर देता हूँ इसको अनलोड, आगे कर दूंगा इसको फटाफट से। वेरी लो, इसका काम हो गया ख़त्म। चलो इस ट्रॉली को करते हैं ये रखड़ा वापिस। चल भाई सोनालिका, तू यहाँ पे खड़ा हो। तो अपना सारा मामला सेट हो गया है, और बस अब मुझे हे उठानी है जो मैंने वहाँ पे बना के रखी है। और ट्रॉली का देखो क्या हाल हो रखा भाई, इस लोडिंग वैगन से मैंने इतना माल उठाया था, मतलब इतनी सारी घास उठाई थी 1 मिलियन, तो ये ट्रॉली का गंदी हो गई है ट्रॉली काफ़ी। तो चलते हैं इधर और लोडिंग वैगन को ऑन कर लेंगे बी से, और बी से डाउन कर लेंगे। ये देखो ऑन हो गई, नीचे ब्लेड चालू हो गया इसका, ठीक है ना, घूमने लगी। बस अब इसके ऊपर पर चलाएंगे और ये इकट्ठी हो जाएगी। एक सेकेंड आप ऐसे पर छोटा कर लो ज़रा, लो भाई इसकी मैंने कैपेसिटी बढ़ाई हुई है उठाने की, यानी कि थोड़ी सी जल्दी उठाएगी। तो हे अभी काफ़ी कम बनी है, ऐसे ही डाल डाल के आप मुझे मतलब और बनानी पड़ेगी। तो काफ़ी सारी घास को फैलाना पड़ेगा फिर उसके ऊपर भाई टेडर। अभी देखो सिर्फ 24,000 है आई, सिर्फ 24,000, मुझे कम से कम 2-3 लाख की बनानी पड़ेगी, 2-3 लाख किलो। यहाँ थोड़ी सी रह गई, इसको उठा लेंगे, उठा क्यों नहीं रहा, 1 मिनट। नीचे भाई इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा ट्रॉली का, देखो माउस से ये नीचे कर लो, बिल्कुल ज़मीन से लगा लो, इसके पहिए घूमने चाहिए। हाँ देखो अब पहिए घूम रहे, तो कई बार ये उठ जाती है कोई। अभी आप देखा आपने कि अगर आप इसको ज़्यादा ऊंचे ढेर पे चलाओगे तो ये ऊंची हो जाएगी, तो इसको आप माउस से लेफ्ट वाले से कर सकते हो। ये गई अपनी, ठीक है, थोड़ी सी ये बच गई थी, थोड़ी सी यहाँ बच गई, इसको उठा लेते हैं। बस लास्ट है, आ जाओ, ठीक है, इसको कर लेते हैं बी से ऊपर, बी से बंद। लो भाई अपनी हे भी आ गई, हे अपने पास आई है अभी, सिर्फ 24,000 और बनानी पड़ेगी मुझे। मैं बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में बना के रख लूँगा, अभी तो घोड़े अपने हे घोड़े के पास फुल है। तो अभी हे को भी इसमें डाल देता हूँ फटाफट से। चल भाई ये गई अपनी हे, अब हे मुझे जब भी चाहिए होगी मैं यहाँ से निकाल लूँगा और भाई अपने घोड़े को खिला दूँगा। चलो सबका काम ख़त्म, सारा काम हमारा फिनिश हो गया, अपने फार्म पे आज काफ़ी काम कर लिया। अभी तो मुझे फसलें लगानी है बस 2-4, अभी देखता हूँ, अभी फसल बेचने भी जाना है, उसको देखता हूँ फटाफट से। चल भाई जरा इसको धो लूँ यार, बहुत गंदी हो रही है, देख क्या हाल हो गया इसका। शूट मेकर रैपिड 8400, लो भाई धुल गई, देख रहे हो, धुलने के बाद भाई बिल्कुल एकदम फ्रेश हो जाती, नई नई सी। जॉन डियर को भी धो लूँ भाई थोड़ा सा। चलो अब एक काम करेंगे, इसके पास जाकर सीधे ई दबा देंगे, वो पाइप अपने आप वहाँ पे सेट हो जाएगा। ये हो गया भाई शॉर्टकट। तो अभी इस ट्रॉली के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची, चलो यहाँ पे अभी मैं इसको ऐसे उल्टा खड़ा कर देता हूँ, बाद में सेट कर लेंगे। ओके भाई तो जॉन डियर को ले लेते हैं आप, और मेरे पास जो प्लांटर है भाई वो तो बहुत ही बड़े हैं, तो इस प्लांटर को ले चलता हूँ मैं, इसके अंदर ये सारी फसलें लगाता है। तो इसको निकालना है मुझे, अब यहाँ से निकाल लेते हैं भाई, जगह है ना यहाँ से। तो एक भाई कह रहा था तूड़ी बना के दिखाओ, तो भाई उसको दिखा देते हैं तूड़ी, कैसे बनेगी तूड़ी, अगली बार बनेगी, अब तो बनेगी नहीं, लेकिन मैं लगा देता हूँ फसल। तो कहाँ गई भाई मेरी वीट, तो गेहूँ कहाँ गई, वो कितने की कणक भाई, तो बीट बार्ली, तो हमने बार्ली नहीं लगाई अब तक, बार्ली लगा देते हैं, बार्ली से भी बन जाएगी ओट, ओ सॉरी स्ट्रॉ। तो इसको घुमा के लाता हूँ और भाई खोल के लगाता हूँ जल्दी से। और यार एक भाई कहता कॉटन की बेल बना के दिखाऊँ, तो कॉटन की बेल भी बना देते हैं। चलो तो ये खुल गया अपना,
प्लांटर यहाँ पे लगा देते हैं हेल्पर। ठीक है भैया, लगा देगा बार्ली। लो भाई बार्ली लग गई। अब चलते हैं वापस, और पानी वानी तो पूरा हो गया। ये क्या है, सोनालिका और 08/11। तो चलो यार एक ट्रैक्टर और खरीद लेते हैं, इधर चलो। तो कई भाई बोलते हैं ये ट्रैक्टर दिखाओ, कोई बोलता है ये दिखाओ। भाई बहुत सारे ट्रैक्टर हैं अपने पास इंडियन, तो दिखा देता हूँ आपको। इसमें चलते हैं, जो भी मिल जाएगा ले लूँगा। एक बढ़िया सा फोर्ड 3600 भी है, चलो फोर्ड ले लेते हैं। यार अपने पास फोर्ड नहीं है तो उसके व्हील ले लेंगे भाई मोटे वाले, और डिजाइन ऊपर बीकन और हॉर्न लगा लेंगे। ठीक है भाई, इसको ले लेते हैं किराए पर। भाई पैसे अभी खर्च नहीं रहा हूँ मैं, सब किराए पर ले रहा हूँ सामान। तो कोई सामान तो मैंने ख़रीदा हुआ है, तो बार्ली लग जाएगी। बार्ली के बाद क्या करेंगे कि वो प्लांटर खाली हो जाएगा, फिर उसको ले चलेंगे दूसरे खेत पे, वहाँ पे जाके फसल लगा देंगे। चल भाई आ जा, और इसको निकालना पड़ेगा भाई आराम से, बहुत लंबे है भाई ये, बड़े संभाल के निकालने पड़ते हैं। अगर ये फंस गया ना एक बार तो भाई ये रीसेट ही करना पड़ेगा। तो ये आ गया अपना फोर्ड, तो अब देखता हूँ इसके अंदर। हैम्प हमने लगा दी थी, एक भाई गाजर भी कह रहा था, वैसे गाजर लगा के दिखाओ। तो ब्लैक बीन, क्लोवर, चेरी, राइस भी लगा दिया हमने, मस्टर्ड। भाई मैंने सारी फसलें लगा दी, कॉफ़ी भी है इसके अंदर, पीनट भी है, मूंगफली भी है। तो आज लगाते हैं भाई मूंगफली, एक मूंगफली लगा देते हैं कॉफी, वो एक लगा देते हैं कॉटन। तो मूंगफली लगा देता हूँ भाई मैं उस खेत के अंदर सामने, क्योंकि मूंगफली मिलेगी ज़्यादा, मूँगफली होती है छोटी छोटी वो ज़्यादा मिलेगी। इस बड़े खेत में लगाऊंगा कॉटन, क्योंकि भाई कॉटन मिलेगी काफ़ी कम। तो ये देखो खोल लेते हैं भाई इसको जल्दी से। तो यहाँ लगाई थी भाई मैंने अल्फा अल्फा, अगर आप अभी भी देखोगे तो देखो अल्फा अल्फा हार्वेस्टेड कर लिया हमने। अगर आप घास लगाओगे तो एक बार घास लगानी पड़ती है, उसके बाद तो भाई फिर घास अपने आप ही बनती रहती है। ठीक है, तो करते हैं भाई बीवी से ऑन, ओके तीन दबा देते हैं। और ये लगे भाई अपनी मूंगफली, पीनट्स आ गए, और हेल्पर लगा देते हैं यहाँ पे एक। तो बंटी भाई ऐसे ही काम कर देगा, और मैं यहाँ पे लगा दूंगा कॉटन, कॉटन की बेल और तूड़ी आपको दिखाऊंगा अगली बार। और अब चलते हैं अपनी फसल बेचने। तो ये अपने पास खड़ी है सोरगम, तो सोरगम भी भाई देखो 8.5 लाख है। तो इस मैप के अंदर क्या है कि सब फसलों के रेट बहुत ज़्यादा है भाई, लेकिन जो मैं चैलेंज करता हूँ 500 मिलियन का, उसके अंदर रेट बहुत कम है। देखो 2700 भाई स्टेशन कैपिटल पे। तो ये होगी अपनी सोरगम, और नहीं यार सोरगम नहीं है अपने पास, हाँ यार सोरगम ही तो है, ये सुडान ग्रास है। ओके ओके, ये ये है सोरगम। तो ये बिकेगी रेस्टोरेंट प्लाजा पे, ठीक है 2700 रुपये रेट है भाई। देखो तो रेस्टोरेंट प्लाजा भाई उधर होता था शायद पीछे, वो हो रहा देखो, क्योंकि भाई ये मैप मैंने बहुत बार खेला है, तो मुझे सब जगह काफ़ी ज़्यादातर जगह पता है कि कहाँ पर क्या है। और हाँ आपको बता देता हूँ भाई, मम्मी मेरी अब ठीक हो गई है पहले से, आज एक टेस्ट होना है मम्मी का। और दरअसल क्या हुआ था कि 8 महीने पहले जो पिछले साल जून के अंदर मेरी मम्मी का ब्लड कम हो गया था, हीमोग्लोबिन तो वो होता है कम से कम 14 से उसकी रेंज होती है, तो वो मम्मी का रह गया था मेरी का 4। तो हमने ब्लड चढ़ाया था 2 बोतल, तो मम्मी ठीक हो गई थी, लेकिन क्या हुआ कि 8 महीने बाद वो खून धीरे धीरे ख़त्म हो गया फिर दोबारा। अब हीमोग्लोबिन हो गया था 5, अब ब्लड चढ़ा दिया, लेकिन अब डॉक्टर कह रहे हैं कि अंदर कुछ कट पड़ गया है, जिसकी वजह से वो अंदर जो खून है ना वो निकलता जा रहा है, यानी कि अंदर कोई लीक हो गया। तो उसके लिए एक एंडोग्राफी होती है, एक कैमरा डाला जाता है मुँह के अंदर से, वो कैमरा अंदर जाके देखेगा कि कहाँ पर खून लीक हो रहा है, तो उसको रिपेयर करना है। तो उसका टेस्ट होना था आज शाम को या कल, अभी मेरा भाई वहाँ पर है, मैं अभी दोपहर हो गई है और मैं आया हूँ अभी हॉस्पिटल से और आकर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वो टेस्ट जो है उसके बाद, टेस्ट के बाद पता चलेगा कि भाई असली वजह क्या है कि खून कम क्यों हो रहा है, क्योंकि इतनी उम्र होने के बाद ना क्या होता है कि ब्लड बनता नहीं है, और अब बनता भी है तो वो लीक हो रहा है, तो फिर भाई बहुत गड़बड़ वाला मामला है। तो वो टेस्ट होगा कल, फिर पता लगेगा, उसके बाद फिर मेरी मम्मी को छुट्टी मिलेगी, फिर मैं रेगुलर वीडियो बनाऊँगा। चलो भाई हम पहुंच गए रेस्टोरेंट प्लाजा पे, और यहाँ पे बेचते हैं ये भाई 2.3 मिलियन। देखो और 500 मिलियन डॉलर चैलेंज के अंदर इसको बेचता ना तो भाई बहुत ही कम पैसे मिलते। चल भाई 8/11 कट दे,
तो काटते हैं भाई इसको वापस, अपने ले चलते हैं एक बार फटाफट से। और ये आ गया भाई, ओह आराम से। तो कई भाई कह रहे हैं गाना सुनाओ डीजे पे, मैं अभी बिजी था हॉस्पिटल में आने जाने में, तो अभी मेरे को गाना मैंने ढूंढा नहीं है। मैं कोई गाना ढूंढूंगा जिस पे कॉपीराइट ना आए, या कोई पंजाबी ढोल की ट्यून हो या कुछ हो, तो वो ढूंढ के फिर आपको सुनाऊंगा यार जरूर। उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 5-7 मिनट का वीडियो बना लेंगे छोटा सा। तो अभी तो मैंने नहीं ढूंढा, तो उसके लिए भाई सॉरी है बहुत बहुत, क्योंकि अभी मैं बिजी हूँ ज़रा, थोड़ा सा अपना लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस चल रही है आपको पता ही है। तो चलो ट्रॉली को भी कर देते हैं यहाँ पे खड़ा वापस। चल भाई 9:11 यहाँ लगा दी इसको। अब दिखाता हूँ भाई आपको इंडियन शॉप मोड जो भाई उसने बनाया गिरीश ने, वो मोड लगा के मैं उसको लगाना चाहता था इंडियन मैप के अंदर, लेकिन क्या है कि इंडियन मैप के अंदर मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। वो मोड है काफ़ी महंगा, मतलब उसके लिए जो पैसे चाहिए वो इतने पैसे मेरे पास नहीं है। ओ भाई एक मिनट, इसको बंद तो करना था, एक मिनट एक सेकंड भाई, इसने काम कर दिया है लेकिन भाई थोड़ा सा छोड़ दिया भाई। जॉन डियर जो हेल्पर था वो भाग गया, बार्ली नहीं लगाई उसने। तो वीट बार्ली ओट तीनों से बनती है अपनी स्ट्रॉ, और किसी भी फसल से नहीं बनेगी, क्योंकि इससे हमें तूड़ी मिलती है जो भूसा होता है। तो मैं एक मिनट यहाँ लगा देता हूँ इसको। तो ये मैंने छोटा सा इसलिए लगाई है यहाँ पे ताकि भाई आपको दिखा सकूँ कि भूसा कैसे बनता है। उस भाई के 2-4 बार कमेंट आए, मैंने कहा चलो यार, और एक भाई का कमेंट आया था कि कॉटन की बेल बना के दिखाओ, तो बेल आप कोई भी बना सकते हो, मोड आते हैं, गोल बेल बना सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो, लेकिन जो गेम के अंदर मोड है, जो गेम के अंदर ओरिजिनल टूल है बेल बनाने का, वो भाई स्क्वायर वाला है। तो आप इसको ले चलते हैं उधर, इस खेत पे लगा के आता हूँ। तो अब मैं इसको लगाने के बाद, अच्छा मैं इसको भाई सेट तो कर लूँ पहले, भाई इसका बीज सेट कर लेंगे पहले, इसको बंद करना पड़ेगा ठीक है ना। अगर आप प्लांटर को बंद नहीं करोगे या सीडर को, तो बीज चेंज नहीं होगा। तो इसको लगा लेते हैं भाई कॉटन पे। कॉटन कहाँ गई रे मेरी, अरे यार कॉटन आ गई, चलो कॉटन आ गई, कॉटन लगाता हूँ सबसे बड़े खेत में। और मूंगफली और कॉटन अगली बार काटेंगे, तो अब आज तो नहीं कट पाएगी क्योंकि भाई फिर काफ़ी बड़ा हो जाएगा गेम प्ले वीडियो, फिर दिक्कत होगी। तो शादी भी करनी है यार मेरे को, यहाँ पे सेट होना है, मेरा काम भी सेट हो चुका है। देखो $24 मिलियन भी मैंने कमा लिए हैं। और हाँ यार गाय भी तो नहीं खरीदी, अभी गाय भी तो खरीदनी थी। और मूंगफली भाई ने लगा दी, देखो काफ़ी सारी। ये प्लांटर अच्छा है यार, बड़े बड़े प्लांटर रहे हैं, देखो कितनी जल्दी काम करते हैं। इसको खोल लेते हैं भाई, अपने जॉन डियर को लगाते हैं यहाँ पर, और अपना फोर्ड लगा हुआ उधर। ओके भाई, तो इसके अंदर फर्टिलाइज़र भी है, बढ़िया सा फर्टिलाइज भी कर देता है, और ये सीड भी लगा देता है। शुरू करते हैं बी से ऑन, बी से डाउन, और 3 दबा देंगे सॉरी भाई। और ये आ गया भाई अपनी कॉटन, कॉटन लग गई भाई अपनी, इसको लोग करते हैं एच से ऑन। लो भाई ठीक है भैया, अवंती गुज्जर भाई आ गया और बॉबी आ गया इधर, और अपनी ये लग चुकी है इधर बार्ली। अब चलते हैं भाई अपने खेत में वापस, अपना बोर्ड पड़ा हुआ यहाँ पे। ओ तो गायें अभी, चलो गायें अभी ख़रीदता हूँ मैं थोड़ी देर में। तो भाई ये चलते हैं अब हम इसके अंदर, मिसलेनियस के अंदर, और वो मोड भाई एक नया मोड आया अल्पाइन फार्मिंग इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज करने के लिए। चलो इसका बाद में बताएंगे वीडियो। तो अभी तो बहुत सारे वीडियो बनाने हैं भाई, दुनिया भर के वीडियो बनाने के लिए पड़े हैं भाई। ये है अपना इंडियन ऑटो गैरेज, काफ़ी बड़ा है भाई, छोटा नहीं है। इसको इसको अपने घर के साइड में लगा लेते हैं यहाँ पे। तो देखता हूँ एक मिनट इसका मुंह किधर को है, अभी मुझे ये नहीं पता। एक सेकंड भाई, इसको घुमाना पड़ेगा, ये शायद इधर से होगी, नहीं यार ये ऐसे उल्टा है। अभी देखता हूँ किधर से है ये। ठीक है भाई, इसको घुमा के घर के इधर लगा लूँ, क्योंकि उधर तो भाई अपने अस्तबल आ गए घोड़े, इधर लगा लेते हैं इसको। काफ़ी जगह पड़ी है भाई अपने पास अभी। तो ये लो भाई, तो वो आगे भी इंडियन गैरेज। एक मिनट, एक ट्रैक्टर लेके आते हैं कोई,
कहाँ गया, 9-11 को लेके आते हैं, 9-11 को रिपेयर करते हैं, देखते हैं 9-11 रिपेयर होगा हो जाएगा कि नहीं होगा। तो उसको लेके चलते हैं, चल भाई ट्रॉली को हटा दे। तो ये अभी अपनी वर्कशॉप, इसको रिपेयर करते हैं वहाँ पे। तो वर्कशॉप मैंने इसमें लगाई नहीं है अभी तक कोई, तो ये गिरीश भाई ने बना के भेजा है मोड, तो काफ़ी दिन से भेजा हुआ लेकिन मैं दिखा नहीं पाया। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट और रुक तो जाना, 8:11 कितने बज रहे। तो ये बना हुआ अभी इंडियन ऑटो गैरेज, इस पर लिखा है ऑल काइंड ऑफ फोर व्हीलर्स टिंकरिंग पेंटिंग एंड मैकेनिकल वर्क्स। तो हर तरह की गाड़ी ट्रैक्टर के भाई यहाँ पे रिपेयर होगी, पेंट होगी और ट्यूनिंग व्यूनिंग होगी उसकी। तो ये इसकी एंट्री है यहाँ से, अब उतरना ही पड़ेगा भाई, ट्रैक्टर तो अंदर जाएगा नहीं। तो ये देखो, आपने कभी भी ऐसे नहीं देखे होंगे जो ऊपर से नीचे आते होंगे, लेकिन भाई इसमें देखो ऊपर से नीचे अपने शटर खुल रहे हैं, और ये भी खुलता है, वाह भाई वाह। और देखो भाई यहाँ पे स्प्राइट कोका कोला की लगी हुई फैक्ट्री, और ये है यहाँ पर एक मशीन जहाँ पे होती है ट्यूनिंग नीचे से, और यहाँ पे रखा हुआ भाई एक, ऐसे दिखाते हैं भाई आपको। तो यहाँ पे रखा हुआ भी मेरा कंप्यूटर जिसमें मैं अपना एंट्री करूँगा, जो भी ट्रैक्टर रिपेयर होकर जाएगा उसके क्या क्या पैसे हुए, उसका बिल, उसके कौन सा पार्ट चेंज हुआ, उसमें ऑयल डाला, ऑयल फिल्टर लगा, क्या क्या हुआ। और ये हो गया अपना सिस्टम, और ये आ गई अपनी टूल किट, और ये क्या है भाई, जनरेटर चल गया इसके अंदर ऑटोमेटिक, अब एक जनरेटर चल रहा है भी आपको दिखाता हूँ। और ये बनी हुई भाई, इसके अंदर सामान पड़ा हुआ है सारे हमारे टूल्स पार्ट, और ये अलमारियाँ यहाँ पे खुलती हैं क्या, नहीं भाई ये खुलती नहीं है। और ये देखो ऑयल, ये डलता है अपनी गाड़ी के अंदर, और ये बैटरी, बैटरियाँ हैं बड़ी हैं गाड़ी के अंदर। और यहाँ पर पड़े हैं भाई तेल, मोबिल ऑयल, गेयर ऑयल और इंजन ऑयल, चलो। और ऊपर है जगह, और यहाँ पे पड़ी भाई एक लेथ मशीन जिसके अंदर भाई खराद की मशीन होती है, जिसके अंदर कोई पार्ट अगर स्पेशल बनाना होता है, किसी चीज़ को मॉडिफाई करना है या कुछ, तो यहाँ पर बनते हैं वो। और यहाँ पर पड़ा है बैटरी का स्टैंड, इससे बैटरी को खींच के ले जाते हैं। और ये पड़ा भाई यहाँ पर एक रोल तार का, और इसके ऊपर चाय के गिलास पड़ेंगे जो अपने भाई काम करते हैं। और ये देखो यहाँ पर होता है पेंट, ये पड़ा है पंप जिससे कि भाई पेंट होता है, स्प्रे पेंट। और ये है एयर स्टार, वाह भाई वाह, मेरा नाम लिखा हुआ इसके ऊपर, भाई मेरा नाम नहीं है वो, एयर स्टार कंपनी का है। तो यहाँ पर भी एक शटर आपको दिखाता हूँ जल्दी से खोल के, तो ये भाई खुल गया अपना शटर। तो यहाँ से आओ अपनी गाड़ी लेके वहाँ रिपेयर करो, यहाँ से निकल जाओ। और यहाँ पे पड़ा हुआ एक रेडियो, रेडियो मिर्ची का गाना चल रहा है कोई पता नहीं कौन सा। और यहाँ पर कुछ सामान पड़ा हुआ, और डस्टबिन पड़ा हुआ भाई एक वहाँ पर। अब चलते हैं हम, अच्छा अच्छा भाई देखो, अगर आप कोई काम नहीं है, बोर हो रहे हो लंच टाइम के अंदर, अपनी भाई अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो यहाँ पे, वॉलीबॉल इसके अंदर डालो भाई और मज़े लो, पॉइंट बना सकते हो अपने एंटरटेनमेंट के लिए। और ये ओह भाई ये स्विच लगाओ इसका, अच्छा तो यहाँ पे रिपेयर होगी भाई गाड़ी, ओके। तो ये अभी अपनी वर्कशॉप, इसका मुँह एक मिनट किधर को है, अच्छा तो ये पीछे है, तो यहाँ से शायद फ्रंट होता है इसका, चलो इसको घुमा लेंगे अगली बार, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से मर्जी ले आओ। तो ये हो गई भी अपनी वर्कशॉप देखो, और ये पानी का लगा हुआ है एक, बाजस कहीं आग लग जाए तो पानी यहाँ लगा के फायर ब्रिगेड बुझा सकती है। और ये बना हुआ है रैंप, इसके ऊपर गाड़ी खड़ी करके सर्विस होती है, उसके नीचे से पानी मारा जाता है, आपने देखे होंगे ऐसे GT रोड पर बहुत सारे बना रखे हैं भाइयों ने, अच्छा उसके ऊपर भी जगह है भाई, ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर है भाई लंच, खाने पीने का सामान, जब आपका लंच टाइम होता है तो यहाँ पर अपने जो वर्कर है भाई यहाँ पे बैठ के अपने सारे लेबर जो है खाना खाएगी, ओ वाह भाई वाह। और देखो भाई ऊपर शेड लाइटें लगी हैं, लेकिन लाइट का स्विच कहाँ पर है मुझे नहीं मिला। तो ये जनरेटर पड़ा हुआ है, जब मैं इसके पास आता हूँ तो भाई ये जनरेटर अपने आप ऑन हो जाता है, और जब मैं इसे दूर जाता हूँ तो ये बंद हो जाता है। और ये गाड़ी का मोड देखो यहाँ पर लगा रखा है भाई ने, गाड़ी बना रखी है बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर भी तेल वगैरह पड़ा है, बैटरी पड़ी है, और यहाँ पर पड़े हैं अपने बैटरी और भाई सारे अपने टूल पड़े हुए। और यहाँ पर देखो शेड ये बना रखी है सेल्फ, बहुत बढ़िया। ओह ऑयल, लो भाई ऑयल की ऑयल का भंडार है अपने पास भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जितना मर्जी ऑयल चाहिए हम डाल देंगे आपकी गाड़ी में। और यहाँ पर रखा है एक डस्टबिन यहाँ पर, सफाई का भाई पूरा ध्यान है, तीन डस्टबिन रखे हुए हैं। तो इस वर्कशॉप को मतलब उधर से लगाना था मेरे को, चलो उसको घुमा लेंगे बाद में। तो ये इसकी बैक साइड, तो यहाँ से लाएंगे अपनी गाड़ी को, अपने ट्रैक्टर को और भाई इसके ऊपर ला के यहाँ पर, एक मिनट
थोड़ा पीछे करेंगे भाई, बिल्कुल सीधा करके लगेंगे। तो यहाँ से नीचे से ट्यूनिंग होगी, नीचे से अगर कोई ख़राबी है तो ये आगे भी अपना ट्रैक्टर इंजन कर देते हैं इसका बंद अभी। चलो चलने देते हैं इंजन भी। तो भाई यहाँ से आके इस पर पहिए के अपना 9-11 ऊपर देखो जा रहा धीरे धीरे, ये झटके मार मार के जा रहा थोड़े से। तो यहाँ नीचे से मैं इसको खड़ा होकर इसका इंजन देख सकता हूँ, रिपेयर कर सकता हूँ उसको, कोई नट बोर्ड नीचे से ढीला हो गया है तो यहाँ से वो रिपेयर हो जाएगा। वाह भाई वाह, देखो भाई 9-11 हवा के अंदर। तो कोई भी गाड़ी लाओ यहाँ से देखो इंजन, ये लो भाई नीचे से पूरा शाफ्ट उसका एक्सल वैक्सल सलेंसर भाई सब नज़र आ रहा है। चलो होगी इसकी ट्यूनिंग, ट्यूनिंग कर दी हमने बाइस की, अब लाते हैं इसको नीचे। ओए भाई ये क्या हो गया, अच्छा ये नीचे क्यों नहीं आ रहा, अच्छा ऊपर जाएगा, फिर नीचे लाने के लिए मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा, एक मिनट। तो इसको किसी और गाड़ी के साथ करना पड़ेगा टेस्टिंग, अभी मैंने भाई इसको एक बार भी टेस्ट नहीं किया। भाई गिरीश भाई देख ले ये क्या हो रहा है, तो इसके अंदर चलते हैं एक बार, ट्रैक्टर के अंदर नहीं जाएगा, चला गया। ए आ गया भाई आ गया ये। तो यहाँ से हमने कर लिया इसको रिपेयर, अब यहाँ से मतलब गाड़ी आएगी भाई एक तरफ से और दूसरी तरफ, क्योंकि लाइन लगी होती ना भाई गाड़ी की, होती है लाइन लगी लंबी लंबी, तो इसलिए रास्ता बना रखा है भाई ने, इधर से आओ इधर से जाओ। अच्छा यहाँ पर भी लिखा हुआ वही लिख, तो ये हो गया रैंप, यहाँ पर सर्विस करने के लिए होती है, तो इसके ऊपर चढ़ा देते हैं ऐसे गाड़ी और अपनी गाड़ी रिपेयर हो जाती है। ओ भाई सीधा चल, ये दरअसल बड़ी गाड़ी के लिए, ट्रैक्टर के लिए नहीं है, देखो ट्रैक्टर इसमें फिट नहीं आ रहा, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो ये ट्रकों के लिए मेन, तो ट्रक होते हैं काफ़ी चौड़े चौड़े। अब इसको देखते हैं भाई रिपेयर करके, 9-11 को ले चलते हैं अंदर वर्कशॉप में। तो ट्यूनिंग तो इसकी होगी नीचे से, अब इसको करना है इसके पार्ट वगैरह, इसको यहाँ पे खड़ा करेंगे बस इस निशान के ऊपर, बस भाई खड़ा हो जाए। अब चलते हैं इसके अंदर। ओए होए कंडीशन लो भाई, 2 दिन हो चुके हैं और इसका रिपेयर ज़रूरत है अभी थोड़ी सी, नहीं अभी रिपेयर नहीं करा, कंडीशन भाई अभी बिल्कुल नहीं है। अगर इसको रिपेयर की ज़रूरत होगी तो यहाँ पर रिपेयर दबाऊँगा मैं और ये भाई अपना ट्रैक्टर रिपेयर हो जाएगा। ओके भाई अपना ट्रैक्टर अभी नया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको निकालते हैं भाई बाहर एक बार, आ जाए भाई। ठीक है भाई ये हो गया वर्कशॉप का मोड, इंडियन वर्कशॉप, बहुत ही बढ़िया। देखो भाई ने बाहर सिल भाई पत्थर लगा रखे बहुत बढ़िया, देखो ग्रास भी लगी हुई है और शेड देखो क्या बढ़िया है, ऐसा मोड आज तक किसी ने नहीं बनाया। और शटर देख रहे हो इसके नीचे को जा रहे हैं भाई, ऊपर को नहीं जा रहे, ये देखो पूरा आपको एक बार बाहर से दिखा देता हूँ बढ़िया सा। तो ये इसका मुंह इधर से आना था, अच्छा तो मैंने इसको उल्टा लगा दिया। एक काम करते हैं यार इसको, चलो इसको मैं अगली बार चेंज करके रखूँगा, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं कोई दिक्कत नहीं, अगली बार इसको चेंज करते हैं। अब चलते हैं अपने गाय के पास और अपनी फसलें लग रही हैं, फसलें तो अब अगली बार कटेंगी, गायें अब देखता हूँ इसमें कहाँ से खरीदी थी मैंने, तो इसको अभी मैं यहीं पे खड़ा कर देता हूँ। ट्रॉली मेरे को चाहिए अभी, गाय को सामान खिलाना है और भूसा वगैरह देना पड़ेगा, तो इसको लगा देते हैं अभी 9-11 को यहाँ पे। चल भाई तू तो खड़ा हो जा, मैं ज़रा गाय खरीद लूँ। तो ये अभी अपने गणपति बप्पा का मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, माथा टेक के एक बार चलते हैं भाई। और अरे चल ब्रावा मार दे छलांग, ये तो ये लगे हुए हैं, जब गाय को खुजली होगी तो गाय भाई इसके ऊपर आके अपने शरीर को खुजली कर सकती है, अपनी खुजली उसकी हट जाएगी। तो यहाँ पे देना है, मैंने पहले आपको दिया था ये मोड़ दिवाली पैक, लेकिन अब मेरे को ध्यान नहीं है कहाँ पर क्या था, अभी देखना पड़ेगा एक बार। तो आर दबाते हैं, अच्छा तो इसके ऊपर से काऊ खरीदेंगे हम, ठीक है यहाँ से आर दबा के। और भाई ओ यार एक मिनट भाई, एक जैसी लेंगे इस बार, यही लेते हैं वाइट, ये अच्छी लगती है मेरे को यार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
ठीक है, इसको कर दें कंफर्म। देखते हैं भाई, काओ अपने पास 71 आ गई, और ले लेते हैं ये वाली, यही वाली, यही वाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। चलो भाई 30 हो गई, 101 हो गई। ओह अभी दो कम है, मेरी इन्फॉर्मेशन वो जरा गलत हो गया मामला। 1 2 कंफर्म। ठीक है भाई, 100 गायें ले ली मैंने, अब इसको कर देते हैं बंद, क्योंकि ये नहीं तो, अरे यार इसको बंद करना।
तो अब इनको देना है यहाँ से खाना पानी, यहाँ से देना है पानी, बस गाय को पानी चाहिए होता है और यहाँ से खाना देना होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ गाय एक बार, गाय क्या क्या खाती है आपको पता ही है वैसे तो। तो टोटल मिक्स राशन जो होता है ये बनता है अपना हे से, साइलेज से और स्ट्रॉ से। तो ये बनता है 100% इफेक्ट देता है, दूध इतना आएगा 100%। हे साइलेज से इफेक्टिव इनका गाय का जो दूध है इफेक्टिवनेस 75% होगा, यानी कि 75% असर होगा। अगर आप सिर्फ गाय को घास खिलाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, 25% मिलेगा, दूध पतला मिलेगा, गाढ़ा नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है TMR फूड। तो एक मिनट जरा भाई, मैं चलता हूँ फटाफट से गाय को खिलाने पिलाने की कोशिश करते हैं। इसमें पानी सिर्फ 8000 ही है, तो ये टैंक भी बड़ा लेना पड़ेगा भाई, बहुत छोटा टैंक है क्योंकि अब गाय हो गई है बहुत ज़्यादा और पानी है काफ़ी कम। अब इस मोड को देखते हैं कि इसकी कहाँ पर क्या सामान आएगा। स्लरी यहाँ पर आएगी, स्लरी और मैन्योर इसकी यहाँ आएगी। तो पानी इसका जाएगा अगले वाले में, ये यहाँ पे पानी आएगा। ओके, थोड़ा सा और आगे, ठीक है। तो ये क्या पानी, पानी जा रहा है जब तक हम चलते हैं इसके अंदर अपने 8-11 के अंदर। चल भाई इसमें अब मैं इनके लेके आता हूँ इनके लिए। तो मेरे पास हे भी है, साइलेज भी है और तीनों चीज़ें। तो एक काम करता हूँ यार, एक मिनट, अरे यार रुक, अभी मुझे हाँ साइलेज भी बनानी थी, गलती है, साइलेज भी मैंने नहीं बनाई, एक मिनट। तो इसका इंजन एक बार बंद करना था भाई। तो अगर आपको TMR फूड बनाना है, आपको चाहिए होती है एक मशीन TMR फूड बनाने की, जो इसमें मिलती है एनिमल के अंदर, ठीक है। ये होती है TMR फूड बनाने की मशीन। और देखते हैं कोई नई आई है तो वो आपको दिखाता हूँ। ये भी है TMR फूड बनाने की एक, ये एंडरसन ग्रुप इक्विपमेंट है। और ये भी है एक, तीन है। तो इसकी कैपेसिटी है 29,000, इसकी है 23,000 और जो पुरानी वाली थी भाई इसकी कैपेसिटी है सिर्फ 16,000। ओ बाप भैया, तो ये एक नया आया है, दोनों इनकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो ये ले लेते हैं, इसकी कैपेसिटी है 30,000। तो 30,000 कैपेसिटी, इसके अंदर जब हम खाना डालेंगे तो वो TMR फूड बन जाएगा। इसको हम कर लेते हैं लीज पे ही ले लेते हैं अभी। तो गाय को TMR फूड देने के लिए हमें चाहिए होती है, अरे 50% हे और 25% साइलेज, 25% स्ट्रॉ, ठीक है। तो इसके अंदर आएगी 30,000 कैपेसिटी। तो 30,000 में हम देंगे इसमें, चल भाई इसके अंदर अब कितनी रेशो आपको लगानी पड़ेगी। तो 10,000 दे दूंगा इसके अंदर मैं हे और 5,000 साइलेज और 5,000 स्ट्रॉ। तो हमारा 20,000 माल तैयार हो जाएगा। तो इसके अंदर डालते हैं पहले, सबसे पहले वैसे इसमें टोटल मिक्स राशन भी है लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम इसके अंदर साइलेज डालेंगे 5,000। अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा ही डल गई इसकी, मतलब हेल ऑफ की स्पीड बहुत ज़्यादा है भाई। और ये तो फौरन, तो अब इसका डालनी है हे, हाँ। तो ये फौरन खाना बन गया, चारा बन गया। अब देखते हैं ये, क्योंकि इस मशीन के अंदर नाप के डालनी पड़ेगी बिल्कुल, नहीं अगर नाप के नहीं डालोगे तो कुछ और ही बन जाएगा। तो ये गड़बड़ है, ये जो हे लॉफ्ट की जो स्पीड है डालने की वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें गड़बड़ हो गया मामला। तो वैसे तो चारा बन गया, देखते हैं चारा गायें खाएंगी, वैसे तो ये फॉरेज नहीं लेगी शायद। तो मैं पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको, इस मोड को। इसका खाना कहाँ से जाएगा, इधर से जाना चाहिए, फॉरेज जा तो रहा भाई। देखते हैं फॉरेज डाल के यहाँ पे। तो ये TMR फूड ही बना एक तरह से। तो TMR फूड की एक रेशो होती है, ठीक है ना, 50% है, 25% साइलेज, 25% स्ट्रॉ। तो ये जा रही है फॉरेज, देख लेते हैं गाय को। तो ये हे और साइलेज दिखा रहा है भाई, इतनी सारी गाय के लिए, 100 के लिए पानी बहुत सारा चाहिए, स्ट्रॉ बहुत सारी चाहिए और ग्रास भी चाहिए। मतलब ग्रास नहीं देनी हमें, तो टोटल मिक्स राशन देना है। तो ये अपने पास देखो स्ट्रॉ बच गई, तो ये स्ट्रॉ बच गई भाई देखो। तो जब फॉरेज खाना बना था उसने वो दे दिया, स्ट्रॉ को अलग रख लिया। तो स्ट्रॉ देनी है हमें यहाँ से, ये देखो यहाँ पे स्ट्रॉ का निशान है यहाँ भाई। स्ट्रॉ का निशान बाहर होना चाहिए, वैसे अंदर गड़बड़ है, अंदर स्ट्रॉ का निशान आएगा तो फिर दिक्कत है। देखो ये मशीन अब घुसेगी नहीं, इसको अंदर ले आना एक चैलेंज है। एक मिनट भाई, इसको यहीं से घुमा के लेके चलता हूँ।
अगर ये अंदर चली गई तो बाहर नहीं आएगी, बहुत दिक्कत है। या तो इस गेट को बड़ा करो थोड़ा सा, चली तो जाएगी लेकिन एक मिनट भाई, उधर को लेके जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, और यहाँ पे इसको गाय का स्ट्रॉ दे देते हैं, ये गई अपनी स्ट्रॉ यानी कि भूसा। चलो भाई बाहर आ जाओ भाई, आ तो भाई गेट कर देंगे बंद भाई, नहीं तो गायें फिर ओए 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 बंद नहीं हुआ, ओए बंद नहीं हुआ भाई, और बंद हो गई। तो दूध दूध मिलेगा अंदर से, देखते हैं इस मोड के अंदर पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं इसको, तो दूध यहाँ से इस पॉइंट से मिलेगा। अच्छा तो इसको खुला रहने देते हैं हमेशा के लिए, क्योंकि यहाँ तो गायें निकल नहीं सकती, यहाँ से निकलेंगी नहीं, तो ये बंद है, इसको खुला रखते हैं यहाँ पर, अगली बार इसमें दूध लेंगे। तो वैसे तो इसकी जो मशीन है ना, इसके अंदर माल आपको अपने आप डालना पड़ेगा हाथ से, मतलब ऐसे डालना कि क्वांटिटी पूरी आए, तब बनेगा टीएमआर फूड। तो अभी मैं गाय को टीएमआर फूड दे देता हूँ, इसके अंदर चला जाएगा 30,000, 30,000 कम है। चल भाई एक मिनट, टीएमआर फूड इधर है, तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है यार, देख रहे हो। तो ये आएगा अपना टोटल मिक्स राशन, कितना है अभी लो, टोटल मिक्स राशन 0 हो गया, बस इतना ही था भाई, 30,000, 30,000 था उसके अंदर बस, बहुत कम है भाई। तो टीएमआर फूड बनाना पड़ेगा भाई मुझे, उसके लिए मुझे मेरे सैलरी बना लेता हूँ एक बार, अगली बार आपको दिखाऊंगा टीएमआर फूड कैसे बनेगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से बताऊँगा कि कैसे कैसे बनाना पड़ेगा। वैसे तो मैंने उसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, शायद आपने देखे हों या ना देखे हों, चलो इसमें आपको अगली बार बताऊंगा टीएमआर फूड के बारे में। अगली बार काफ़ी काम है, बेल भी बनानी है, टूड़ी बनानी है, और अब देखते हैं भाई टीएमआर फूड। तो ये जा रहा भाई, तो ये एंडरसन की है स्मार्ट मिक्स। तो ये क्या करती है, जब आप इसके अंदर स्ट्रॉ और ये सारा सामान डाल देते हैं, साइलेज और वगैरह, तो ये इसको देखो ब्लेड चलते हैं, इसके अंदर ब्लेड क्या करते हैं खाने को मिक्स करते हैं भाई, बहुत हैवी ब्लेड है ये, और देखते हैं गाय के अंदर। लो भाई इतना इतना गया भाई रेड, ये भाई ग्रीन होना चाहिए, इनको ग्रीन करना पड़ेगा, तो हमें 100 गाय को काफ़ी सारी टोटल मिक्स राशन बनाना पड़ेगा मुझे। चलो भाई इसका हो गया काम, इस मशीन का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब इसका फ़ायदा सिर्फ तब है जब आपको इसमें डालनी है। तो इसके अंदर आप हे वो भी बेल भी डाल सकते हो, स्ट्रॉ की बेल डाल सकते हो इसके अंदर, तो वो बेल को भी कचरा बना के उसको उसका भी कर देगी कल्याण, यानी कि उसका बना देगी टोटल मिक्स राशन। तो अभी मेरे पास साइलेज पड़ी है 2.5 लाख, तो चाप मैंने काटी थी, चाप मतलब मेरे पास पड़ी थी, अब मुझे इस चाप को बनाना है साइलेज, तो मुझे इस ट्रैक्टर को भाई इसके ऊपर चलाना पड़ेगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं, तो ये कितनी कॉम्पैक्ट है, ये भाई 1% है, और ये है 2.5 लाख। तो इसकी सैलेज बना देता हूँ मैं, और फिर इसको बाद में गाय को खिला देंगे टीएमआर फूड बना के, और इन भाइयों को देख लेते हैं इन्होंने कर दिया क्या काम। अरे चल भाई इसके अंदर लो भाई फूड का काम हो गया, यहाँ पे लगी अपनी कॉटन, नहीं सॉरी यहाँ पे लगी है पीनट, और ग्रो हो रही है 50%, उधर उधर लगी भी अपनी कॉटन। तो ठीक है यार आज के लिए इतना ही बहुत है, गाय खरीद ली मैंने आज, और वर्कशॉप का मोड भी लगा दिया और कॉटन लगा दी है, और भाई आपको तोड़ी बना के दिखाऊंगा फिर अगली बार, और अगली बार हम गाय को टीएमआर फूड बनाएंगे, मैं साइलेज बना के तैयार कर लेता हूँ, साइलेज जब तैयार हो जाएगी तो फिर मैं आपको एक मशीन होती है उसके अंदर भर के प्रॉपर तरीके से बताऊँगा कि कैसे टीएमआर फूड बनेगा, तो फिर आप अपनी गाय को खिला सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक भी अपना ख्याल रखिए भाई, खाएँ भी स्वस्थ रहें, आज के लिए बस इतना ही था, अभी देखता हूँ अगर कोशिश करूँगा दूसरा वीडियो भी बन जाएगा तो भाई, कल मुझे अपने मम्मी के पास कल फिर जाना है सुबह, क्योंकि कल उनका टेस्ट होने वाला है, तो अभी रात को मैं अभी अपने घर पे सोऊंगा, क्योंकि भाई हॉस्पिटल में सोने की जगह होती है लेकिन मज़ा नहीं आता, मतलब मज़ा नहीं, हॉस्पिटल में सोया नहीं जाता, डिस्टर्ब हो जाता है बहुत आदमी, तो मैं कल रात को भी नहीं सो पाया थोड़ी देर भी, तो आज भाई अपने घर पर आराम से सोऊंगा और फिर कल जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खाएँ भी स्वस्थ रहें और भाई एकदम मस्त रहें, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। और हाँ भाई, आपने जो मेरी मम्मी के लिए इतनी दुआ करी भाई, मैंने पिछले वीडियो में जो बोला था भाई, सभी का बहुत दिल से शुक्रिया भाई, मैं चाहता हूँ सभी के माँ बाप हमेशा सलामत रहें, और किसी का माँ बाप उससे बिछड़े ना, क्योंकि भाई माँ बाप बहुत ही अनमोल चीज़ होती है दुनिया में, ये एक बार चले जाते हैं तो भाई वापस नहीं मिलते,
बाकी आपको सारी दुनिया मिल जाएगी, दोस्त यार मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, लेकिन भाई माँ बाप नहीं मिलेंगे। तो उनकी कदर करो भाई, उनका कहना मानो, उनका ख्याल रखो। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, बाय।